का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष में मैं आपको एक ऐसी डिश बताने जा रही हूँ जिसे कि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अगर आप इस डिश को एक बार बनाएंगे तो हर व्रत में आप इसको बनाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा वाला साबूदाना लिया है जो कि व्रत वाला होता है। आपको यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, बस आपको व्रत वाला साबूदाना बोलना है। फ्रेंड्स, इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब हम इसमें यह है क्रश किया हुआ आलू, जो कि कच्चा आलू है, इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, यह डालेंगे। गाजर, फ्रेंड्स ये एक गाजर है, इसको भी मैंने क्रश करके रखा हुआ है। मूंगफली, फ्रेंड्स ये भुजी हुई मूंगफली है, इनको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। एक चम्मच अदरक, हरी मिर्ची और 1 स्पून काली मिर्च। काली मिर्च फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें यह सिंगाड़े का आटा डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिंगाड़े का आटा नहीं है तो आप कुटू का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स सेंधा नमक, जिसको हम लावरी नमक भी बोलते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक कप बैटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। A few moments later. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें अभी आटा थोड़ा कम है, इसलिए हम आटे की क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे जिससे कि यह अच्छे से सेट हो जाए। 5 minutes later. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब ये देखिए, आपको इस प्रकार से बैटर रखना है, आपको अधिक पतला या गाढ़ा भी नहीं रखना है। अब फ्रेंड्स, मैंने जब तक बैटर तैयार किया था तब तक कढ़ाई गर्म करने रख दी थी। अब हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में घी डाला है क्योंकि मोस्टली हम व्रत के लिए अच्छे घी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपने इस साबूदाना और आटे के मिक्सचर को हमने जो तैयार किया है उसकी आप इस प्रकार से पकौड़ियाँ सेककर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप चाहे तो इनको गोल भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को अवश्य ट्राई करें, ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, जब तक हमारे साबूदाना और आटे वाले जो हमने पकौड़े बनाए थे वह हमारे सिककर तैयार होते हैं, तब तक मैं आपको व्रत की स्पेशल चटनी बताती हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, मैंने हरे धनिया को कट कर लिया है जिससे कि वह जल्दी से पिस जाए। हरी मिर्ची को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। अदरक और 1 नींबू। फ्रेंड्स, इससे हम व्रत के लिए स्पेशल हरी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके इसमें लावरी नमक मिलाकर चटनी तैयार करें। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये हमारे गोल्डन ब्राउन होने तक सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिककर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आप इनको एक प्लेट पर निकाल लीजिए और बचे हुए बैटर के भी हम इसी प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना के पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी एवं क्रंची लगते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान दें, जब हम इनको गोल्डन फ्राई करेंगे तो गैस को हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही सेकने हैं जिससे कि हमारे साबूदाने अच्छे से अंदर तक सिक पाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अंदर तक पूरा सिका हुआ है। ये देखिए आप, अंदर तक पूरा आटा और साबूदाना अच्छे से सिक चुके हैं, इसलिए आप गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।